तुम्हारे हिस्से की हंडिया और हंडी खाने। उठाओ इन्हें और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से भोसड़ी के। इस हंडी खाने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों की छुटाई अगर किसी ने देखी तो ये भानु प्रताप उसकी माई चोट और कैसी चल रही है तुम्हारी। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल और दिमाग की गांड मार देने वाले संगीत के बारे में। नहीं नहीं, मैं भोजपुरी गानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के हिंदी फिल्मी डबल मीनिंग सॉन्ग्स के बारे में। वो भी आजकल के सॉन्ग्स नहीं, अपने बाप दादाओं के ज़माने के सॉन्ग्स के बारे में, जिसमें इतनी हवस है कि आजकल के गाने भी कुछ नहीं है उसके सामने। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। बिना किसी नहीं यार, टोनी कक्कर नहीं, मैं ऑटो ट्यून की बात कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी ऑटो ट्यून के। बहनचोद, साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन से चूहे की बात हो रही है। साला साफ साफ सेक्स की डिमांड हो रही है। और तो और बेटीचोद, ये किस हवस के पुजारी ने इस गाने के लिरिक्स को लिखा है। चूहा चूही क्या है ये बहनचोद, इस गाने में सब कुछ सही है, बस चूही की जगह पर यहाँ पर चूह। खैर जाने दो। विजुअल्स की बात करें तो यहाँ पर चूहा चूही के नाम पर देखो चल क्या रहा है। बहनचोद चूहा भी बोलेगा भोसड़ी के फालतू में बदनाम कर रखा है हमें। इसको कहते हैं असली लिरिक्स, मैं हूँ एक बांसुरी बजाने वाला चाहिए। अबे हद है बहनचोद, बजने का इतना ही शौक है तो बॉलीवुड के जॉनी भैया से संपर्क करो ना। बेटीचोद हमें क्यों बता रही हो। और एक बार के लिए इसको साइड में रखकर इस बंदे का चेहरा देखो भाई तुम। पहले बेटीचोद लगता है कि एक किलो गांजा फूंक कर आया है। और एक बार तुम विजुअल्स पर गौर करो, कौन सी बांसुरी और क्या बजाने की बात हो रही है तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे छोड़ने के लिए लड़की नहीं दी तो आज ही हमारी रखेलों को छोड़ रहा है। धिक्कार है हम पर। अरे बच्चन सर जी, तंबू में बंबू लगाए बैठे हो तो ठीक तो है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है। बेचारे यहाँ पर तो सिंगल लौंडे तंबू की तलाश में दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें तंबू नहीं मिल रहा है बंबू लगाने को। और आप तंबू में बंबू लगाए रखे हैं फिर भी परेशान है। या तो सिंगल लौंडे टेंट हाउस में जाते हैं, वहां से भी उनको भगा दिया जाता है ये बोलकर कि तुम्हारा बंबू अभी बहुत छोटा है, तुम तंबू में बंबू लगाने लायक नहीं हुए हो। और आप तंबू में बंबू लगा कर बैठे फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। मौज लो ना बच्चन सर जी, अब दिक्कत क्या आ रही है आपको। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा। भैया डबल मीनिंग सॉन्ग्स के बारे में बात हो रही हो और अनिल कपूर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि भैया आज तक मैंने जितने भी डबल मीनिंग सॉन्ग सुने उसमें ज़्यादातर अनिल कपूर के ही गाने होते हैं, क्योंकि इसका ठेका ही अनिल कपूर ने ले रखा है। वैसे तो बॉलीवुड और पॉर्न इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, हवस बेचना। बस फर्क यही है कि पॉर्न इंडस्ट्री के पास जॉनी भैया और हमारे बॉलीवुड में अनिल कपूर थे, जो कभी बुढ़ा नहीं होता। इस चीज़ को साइड में रखकर हम गाने की बात करें तो भैया वीडियो शुरू होते ही इनका टपा टप शुरू हो गया है। टपा टप टपा टप टपा टप। खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है। खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है। ये वाला सीन किसी अंधे को भी दिखा दिया जाए तो उसे भी ऑर्गेजम फील हो जाए। और भाई लोगों को चुतिया बनाना बंद करो, सबको मालूम है यार कि कौन से लौड़े आशिक की बात हो रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। खोल, खोल, खोल। बेटीचोद और ये क्या खोलने बंद करने की बात हो रही है। भैया इस लिस्ट में अनिल कपूर की जितने भी गाने ऐड कर दो सब कम है, ये लिस्ट बेटीचोद कभी खत्म ही नहीं होगी, तो इसीलिए अनिल कपूर फिर से आ गए हैं। दिल का पंछी बोले कुकु कुकु, सांसों की पंछी बोले कुकु कुकु, तेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मेरा भी दिल बोले कुकु कुकु, मुझे पसंद तेरी कुकु कुकु, तुझको पसंद मेरी कुकु कुकु, जो तो हाँ हमें है वो।
पंछी कुकू कुकू बोल रहा है या फिर कुछ और, ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैमरा फोकस करके इसका जवाब दे दिया गया है। यहाँ पर कौन सा कुकू कुकू हो रहा है वो तो हमें दिख ही रहा है। इस गाने में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम खुद ही देख लो। लिरिक्स पर ध्यान मत दो तुम, लिरिक्स की का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोल, बस विजुअल देखो तुम। ले लूं बाहें बाह में तेरी, ले लूं बाहें बाह में, धीरे धीरे डालूं चाल मैं, धीरे धीरे डालूं चाल मैं। ये तो वेरी नाइस सॉन्ग है जी, ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है। बेटी छोड़, यही तो है असली मर्द, एक बर्दू सच्चा मर्द, यही जिगरा तो हम आजकल के लौंडों को चाहिए, क्योंकि लौंडों की गांड फट जाती है यहाँ पर अपनी बंदी को प्रपोज करने में, और बेटी चोद यहाँ पर बिना किसी डर के डालने निकालने लेने देने की बात चल रही है। Boy. और तुम्हें पता तो होगा यार कि हर बॉलीवुड मूवी में 5-6 गाने क्यों होते हैं। नहीं नहीं पता है तो मैं बताता हूँ यार, क्योंकि इन भोसड़ी वालों के पास ना तो अच्छी स्क्रिप्ट होती है और ना ही अच्छे एक्टर होते हैं। एक्टर के नाम पर सिर्फ नशेड़ी गंजेड़ी ही भरे हुए हैं, तो भैया पब्लिक नशेड़ी गंजेड़ी को तो देखेगी नहीं, तो ये पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये पैसा कमाने के लिए बेचते हैं हवस, जिस पर पब्लिक टूट पड़ती है। तो भैया इन भोसड़ी वालों को तो यही काम है, इनका काम तो चलता ही रहेगा, हमें ही रुकना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 6 डबल मीनिंग सॉन्ग्स को ऐड किया है, अगर इस वीडियो पर 50 व्यूज और 30 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं उसी दिन इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो पर 50 व्यूज और 30 लाइक करवाओ, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा दो। दबा दिया, आगे बोलो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलूंगा मैं भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।